एक बार स्वागत है आप सभी का। और अब देखेंगे कर्नाटक एक्सप्रेस। और कर्नाटक एक्सप्रेस में सबसे पहले खबर जहां है, स्कूल के बच्चे जो शिक्षक दौरे पर हैं उन्होंने एक असभ्य गीत पर नृत्य किया है। ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो रहा है और इससे छात्रों के अभिभावकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बेंगलुरु से भी खबर मिली है जहां केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीएम येदियुरप्पा ने मुलाकात की। कुमारा कृपा गेस्ट हाउस में हुई इस मुलाकात में सिंचाई परियोजनाओं और नदी विवादों पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम येदियुरप्पा के साथ गृह मंत्री बसवराज बोम्मई उपस्थित रहे। मंडया में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के जन्मदिन का समारोह जीडीएस इकाई ने धूमधाम से मनाया। जन्मदिन पर 10 से अधिक मंडलियों और अनाथालयों में जाकर फल और खाना दिया गया, जिसमें प्रमुख जेडीएस नेता और जेडीएस कार्यकर्ता शामिल रहे। ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಡವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂದ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು पूर्व सीएम कुमार स्वामी के जन्मदिन पर मंडिया के मालावल्ली में रोगियों को फल बांटकर और केक काटकर जन्मदिन मनाया। और उसके बाद जेडीएस विधायक डॉक्टर के अनन्यदानी ने कहा है कि वे जिले के जेडीएस के विधायक विधायकों को आकर्षित करेंगे और यहाँ कोई बिकने वाला नहीं है। मुझे भी बीजेपी ने पैसा और मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। मैं राजनीतिक जीवन त्याग दूंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। कुमार स्वामी के वक्त में जो विकास के कार्य शुरू किए गए थे बीजेपी ने उसे रोका है। किसी भी तरह का अनुदान न देते हुए नफरत की राजनीति करने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। हिंदू जागरण मंच की ओर से बेल्लारी में कर्नाटक उत्तरी प्रांतीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें विधायक जी रोम शेखर रेड्डी ने कमल भवन में आयोजित हिंदू सतर्कता मंच के दूसरे थाई मासिक सत्र में भाग लिया। मांडिया मालवल्ली तालुका के बसापुरा गांव में किसानों के खेत पर बिजली के तार पर फंसकर एक और हाथी की मौत हो गई। हाथियों से फसलों की रक्षा के लिए किसान बिजली के तार की बाड़ का उपयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाला गुरु थाने के अंतर्गत दोपहर में किसान की जमीन पर हाथी बिजली के तार की चपेट में आया। हाल ही में याला सहल्ली के निकटवर्ती गाँव में बिजली के करंट से एक जंगली हाथी की मौत हो गई थी और जंगली हाथियों के लिए बिजली के तार लगाकर मौत का कारण बन रहे हैं। अगली खबर, जहां हवेरी जिले में बैदीनहल्ली क्रॉस साबनूर तालुका के पास चोर पेट्रोल डलवाकर पैसे लेकर फरार हुए। पैसे चुराने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डलवाने आए बदमाशों ने कर्मचारी का ध्यान दूसरी तरफ करके पैसे चुराए। चोरों ने पेट्रोल पंप के कमरे में घुसकर 1,00,000 रुपए चुराए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पेट्रोल पंप के मालिक ने इसकी शिकायत साबनौर पुलिस स्टेशन में की।
चामराजनगर के आर्यपुर गांव में आयोजित एनएसएस शिविर में एक छात्र की झील में डूबने से मौत हो गई। गुंडलू पैठ तालुक के इस गांव में गवर्नमेंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज बैगुर का शिविर लगा हुआ था। दोपहर के भोजन के बाद चार छात्र झील में नहाने के लिए उतरे और ठीक से तैरना न आने के कारण 17 साल की छात्र और अनज्ञा की डूब कर मौत हो गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने झाल से छात्र का शव बाहर निकालकर बैगुरु पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। बल्लारी में हाटा गली के एपीएमसी के पास एक भयानक सड़क दुर्घटना हुई। ट्रैक्टर की टक्कर से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मां महालक्ष्मी के दोनों पैर कट गए। मौके पर जमा सैकड़ों गुस्साए लोगों ने गन्ने के ट्रैक्टर को आग लगा दी। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मांडिया शहर के नंदा थिएटर सर्कल में पंजीकरण ना होने पर पुलिस ने बाइक सवार को परेशान किया। अब शब्दों के प्रयोग के साथ ही पुलिस ने बाइक सवार से झगड़ा किया। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस की इस बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ। सार्वजनिक रूप से ट्रैफिक जवान लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते आ रहे हैं, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई है। बेल्लारी में यादगिरी के एक निजी पार्क में हाई स्कूल के बच्चों का उत्तर कर्नाटक शैली के अश्लील गीत पर रेन डांस का वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो रहा है, जिससे छात्रों के अभिभावकों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जिले के खैम भवी शहर में एक निजी स्कूल विद्या लक्ष्मी के बच्चे शैक्षिक दौरे पर गए हुए थे। स्कूल जिसे अभ्यता औक संस्कृति की शिक्षा देनी थी, वहां इस तरह का नृत्य कराया गया। परिजनों ने इस पर अपना गुस्सा जताया है। तो बेल्लारी में कर्नाटक शैली के शैक्षिक टूर पर गए बच्चों ने एक अश्लील गाने पर डांस किया, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे कि अगर इस तरीके से बच्चों के किसी कार्यक्रम में अश्लील गानों पर डांस किया जाएगा तो उनमें शिक्षा को लेकर के जो सोच है वो तब्दीली कर पाना काफी मुश्किल होगा। वेलकम मिलता है कुछ और खबरों के लिए, देखते रहिए स्वराज।